भी पीयू की सेंट्रल लाइब्रेरी अब एक क्लिक पर ऑनलाइन दिखेगी सारी किताबें। यूके में रहने वाले 11 साल के इस बच्चे की इंजीनियरिंग देख आप रह जाएंगे। मौसम अलर्ट, 24 घंटे भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी, जिलों के लिए अलर्ट जारी। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना 275 के संग्रह के साथ पीयू की सेंट्रल लाइब्रेरी अब डिजिटल होगी। ये लाइब्रेरी नए जमाने के साथ नई तकनीकी और अग्रसर हो रही है। अब विद्यार्थी एक क्लिक पर सभी पुस्तकों का आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। पटना विश्वविद्यालय दुर्लभ पांडुलिपि का संग्रह माना जाता है। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रामायण, महाभारत और कई भाषाओं में हाथों से लिखी गई पुस्तकों का संग्रह है। लैला मजनू की प्रेम कथा जो विश्व में किसी भी लाइब्रेरी में नहीं है, वह पटना विश्वविद्यालय में है। नई दिल्ली, आपने स्लम डॉग मिलेनियर की कहानी तो देखी होगी, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली के स्लम डॉग इंजीनियरिंग की कहानी। यूके में रहने वाले 11 साल के विशाल की इंजीनियरिंग देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक पेन, एक लकड़ी की फटी, दो डिब्बे का ढक्कन, दो किसी खिलौने के टायर, एक चीप और एक रिमोट, सारे सामान कबाड़ी के और इस गाड़ी की कुल लागत बनाने में आधा घंटा लगा। जी हाँ, यह इंजीनियरिंग है दिल्ली के स्लम डॉग इंजीनियर विशाल की। विशाल को मशीनों से खेल और नए नए रूप देने का शौक। देहरादून उत्तराखंड में ठिठुरन काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। वही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 24 घंटे भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज इंटरनेट से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब।